चलिए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है ये पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट फॉर्म से रहता है, जो हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया गया कैस्केड फॉर्म स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है, पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है, तो हमको एक आइडिया होना चाहिए बेटा, राइट। अगर आइडिया रहेगा तो फिर हम लोग कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आइडिया के साथ साथ प्रैक्टिस भी रहना चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे उठा के दो चार क्वेश्चन, तब तक जो है मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा मतलब समझ में नहीं आएगा, टॉपिक समझ में नहीं आएगा, टॉपिक इंटरेस्टिंग आपके लिए नहीं बन पाएगा। तो ध्यान दीजिए, कम से कम दो से तीन क्वेश्चन एक एक टॉपिक पे खुद से सॉल्व करिए, विदाउट सीइंग द एग्जांपल्स, खुद से सॉल्व करिए। जब फंस रहे हैं तो एग्जांपल देखिए। चलिए आ जाइए, फटाक से आ जाइए, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखिए ध्यान से, एक्चुअली हो क्या रहा है बेटा यहाँ पे, इसको पैरेलल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल फॉर्म? कैस्केड के लिए क्या था, H1Z into H2Z, पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, H of Z is equal to what, H1Z plus H2Z, ये हो गया क्या बेटा पैरेलल, इसको पैरेलल कहते हैं हम लोग। तो देखो क्या होगा, दोनों को ऐड करना है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब पैरेलल फॉर्म मतलब क्या हुआ, इसको अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, कोई भी आपका ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब क्या करना होगा, अब हमको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको ब्रेक करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कब से पढ़ते आ रहे हैं, 12th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से पहले हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, इस फॉर्म में लेकर के आने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है H ऑफ Z, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस Z इनवर्स डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5 Z इनवर्स इनटू 1 प्लस 0.3 Z इनवर्स। इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए, इस तरह रिप्रेजेंट कर जाए, A अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तो यही होता है ना बड़ा, A अपॉन 1 माइनस 0.5 Z इनवर्स प्लस B अपॉन 1 प्लस 0.3 Z इनवर्स हो जाएगा बेटा। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ये H1Z हो गया और ये H2Z हो गया। अब A और B की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ये H1Z हो गया प्लस H2Z के फॉर्म में आ गया, तो ये वाला पोर्शन H1Z, ये वाला H2Z हो गया। A और B की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे सर, कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। A इज इक्वल टू व्हाट, A इज इक्वल टू व्हाट, H2Z दे रखा है ना, तो 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स इंटू एच जेड, और जेड इज इक्वल टू क्या, जेड इनवर्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको यहां पे देखो 1.5 माइनस 0.5 जेड इनवर्स दे रखा है, इसको इक्वेट करोगे 0 से तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5 आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो तो ए की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इसमें माइनस 1 Z inverse से मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 माइनस Z inverse, 1 माइनस Z inverse अपॉन 1 माइनस Z inverse अपॉन 1 प्लस 0.3 Z inverse, ये बचा। यहां Z inverse is equal to 2 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 0.3 इंटू 2, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1.6, इसको क्या कह देंगे, माइनस चेक कर लीजिए इसका क्या आ जाता है बड़ा, -0.625 आ जाता है, -0.625। अब सिमिलरली बी की बात करेंगे तो बी इक्वल टू व्हाट, बी इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 0.3 जेड इनवर्स है ना, 1 प्लस 0.3 जेड इनवर्स इनटू व्हाट, एच ऑफ जेड, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, जेड इनवर्स इक्वल टू -1 अपॉन 0.3, जिसकी वैल्यू क्या आता है, -3.33 आता है क्या, चेक कर लीजिए एक बार, -3.33 आ जाता है, ठीक है ना, क्लियर। अब यहां पे ये सब वैल्यू पुट किया जाए तो इसमें 1 प्लस 0.3 जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस जेड इनवर्स और 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स, 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स, और इसमें मल्टीप्लाई कर पुट क्या कर देना, जेड इनवर्स इज इक्वल टू 3.33 ना, -3.33,
-3.33, देख रहे हो? कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, ये सब तो बेसिक चीजें हैं। क्यों? तो यहां से b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 3.33 डिवाइड बाय, यहां देखो 1 माइनस 0.5 है तो यानी 1/2 हो गया, इनटू फिर माइनस है तो ये प्लस हो गया 3.33। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 1.625 आता है क्या, चेक कर लीजिएगा, 1.625 नहीं 624 आ जाता है, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये तो बस बेसिक कैलकुलेशन ही करना है ना, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो एच ऑफ जेड आया वो क्या आ गया, देखिए ध्यान से, एच ऑफ जेड जो आया वो क्या आ गया, एच ऑफ जेड जो आया वो आया -0.625 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स प्लस 1.624 डिवाइड बाय 1.624 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.3 जेड इनवर्स, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, एच वन जेड हो गया, और ये वाला क्या हो गया, एच टू जेड हो गया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देख लीजिएगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखो ध्यान, थोड़ा सा इसका डिफरेंट रहेगा, पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे, पोल्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए तो जान ही रहे हैं क्या आ जाएगा, 0.5 है नेगेटिव कोफिशियंट तो 0.5 आ जाएगा, पोल्स का हमेशा रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो नेगेटिव कोफिशियंट के साथ, ये हो गया 0.5, ठीक है। अब देखिए ये इतना वाला पोर्शन हो रहा है, अभी -0.65 को छोड़ दीजिए, 1/(1/this) इसको रिप्रेजेंट किए हैं, केवल पोल को रिप्रेजेंट किए, इसको देखिए अब 1/0.3 जेड इनवर्स की बात करते हैं अभी हम, अरे यहां छोड़ दिए डिले एलिमेंट तो छोड़ ही दिए, यही तो जरूरी है, यही तो डिले एलिमेंट ही जरूरी है ना, जेड इनवर्स -0.5 है तो 0.5 हो जाएगा, फिर यहां डिले एलिमेंट आया, पैरेलल में चल रहा है बेटा, 0.3 है तो माइनस हो जाएगा, पोल्स के लिए तो क्या होगा, निगेटिव कोफिशियंट लेते हैं जेड इनवर्स का, 0.3 है तो -0.3, ठीक है ये आ गया। अब देखना ध्यान से, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एच वन जेड का 1/(1 - 0.5) जेड इनवर्स, ये वाला पोर्शन, और एच टू जेड का 1/(1 + 0.3) जेड इनवर्स, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब इसमें ओवरऑल में किसमें मल्टीप्लाई कर देना है हम लोग को, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है -0.625 से, जो भी आया वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये न्यूमरेटर में चला गया, और जो भी वैल्यू आया इसमें मल्टीप्लाई कर देना है किसमें, 1.624 में, और इस दोनों को कनेक्ट कर देना है कॉमन इनपुट से x ऑफ n से, राइट। अब इधर इन लोगों को ला करके ऐड कर देना है, पैरेलल फॉर्म है तो एडिशन होगा, इसको लाओ इधर और इसको लाओ इधर, और ला करके इधर ऐड कर देना है, यहां पे क्या हो जाएगा, y ऑफ n हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे जेड जेड दे रखे हैं, yn है, कर सकते हो इसको xz और इसको yz कर सकते हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ठीक है, कि अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है डिजिटल जो भी फिल्टर है उसका स्ट्रक्चर देखना है, चाहे कैस्केड हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे डायरेक्ट फॉर्म हो, तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर xn और इधर yn, और बाकी सब ये डिले एलिमेंट लेकर के, बाकी सब ये डिले एलिमेंट लेकर के चलेंगे, बाकी सब ये डिले एलिमेंट लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर हो गया, तो ये क्या हो गया अपना बेटा, पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर हो गया, पैरेलल फॉर्म। तो ये हो गया पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर का।
क्वेश्चन, क्लियर हो गया। पहले इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, फिर इसके पैरेलल में इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, इसको इनपुट से कनेक्ट कर लीजिए, फाइनली यहां पे आउटपुट को लाकर के ऐड कर दीजिए। वन अपॉन दिस, इसमें यहां से एक्शन आया, यहां से एक्शन आया, और इसमें एक्शन में मल्टीप्लाई हो गया किसका, -0.625 का, इधर से जो आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई हो गया 1.624 का, दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना, सिंपल, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया सबको, तो ये हो गया आपका पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर, ये हो गया पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर, समझ में आया सबको। चलिए अब इस पे क्वेश्चन बना लीजिएगा।